Hello, good morning. This is Ritu Ratiwal and you are with Let's Crack NEET UG. लिविंग वर्ल्ड शुरू करेंगे आज प्लस वन का पहला चैप्टर. मैं कोशिश करूँगी आज ही इसे ख़त्म कर दूँ, या मुझे लगता है कि थोड़ा सा पार्ट इसका बच जाएगा तो वो कल के लिए जाएगा. ठीक है, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं. मैं स्वागत करती हूँ आपका अपनी क्लास में एंड आई एम सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हूँ, जो कि मैं जनरली हो जाती हूँ, जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि मैं टाइम पे आऊँ. आई डोंट नो मैं अपने बच्चों को टाइम पे आना कैसे सिखाऊंगी जब मैं खुद टाइम पे नहीं आ पाती, लेकिन बच्चों मैं जीत के रहूंगी इस बैटल में. चलिए शुरू करते हैं. इस चैप्टर में पढ़ाने के साथ साथ, एक मिनट, इस चैप्टर में पढ़ाने के साथ साथ मैं आपको नोट्स बनाने की कला सिखाऊंगी कि कैसे आप एक चैप्टर को बहुत ही सीमित तरीके से आप उसके नोट्स बना सकते हैं, जो कि बहुत जल्दी आपके रिवाइज़ हो जाएंगे जब आप नीट की तैयारी से पहले पहले उसको रिवाइज़ कराएंगे. यदि आप ऐसे ही नोट्स सभी चैप्टर्स के बनाना चाहते हैं, 38 चैप्टर्स हैं बायोलॉजी में, उनको इसी तरीके से कंप्लीट करना चाहते हैं, ऐसे ही आप क्रैश कोर्स लगाना चाहते हैं, आप एक एक्सपर्ट गाइडेंस ढूंढ रहे हैं नीट की तैयारी के लिए, तो अनअकैडमी का प्लस का प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए है. उस प्लेटफॉर्म पर 40 से अधिक इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको नीट के लिए गाइडेंस दे रहे हैं, अपना पूरा सिलेबस लाइव कराते हैं. वो ये 40 से ज़्यादा एजुकेटर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स के हैं. उनमें से एक मैं भी हूँ, तो मैं आपको पूरी बायोलॉजी वहाँ पे पढ़ाऊँगी. आप मुझसे एक साल की गाइडेंस ले सकते हैं, दो साल की, जैसे भी, जो भी आपको 2021 में देना है, 2022 में देना है, या नीट 2020 में भी देना है, तो आप 3 महीने का जो है वो पैक ले सकते हैं. आपको करना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, या फिर अनअकैडमी.com पे जाना है, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है, नीट की कैटेगरी पे जाना है. फिर उसके बाद आपको इस तरीके से नज़र आएगा. देखिए, आपसे पूछेगा कितने समय का सब्सक्रिप्शन है. जितनी मेरी क्लासेस हैं उनकी रिकॉर्डेड वीडियोस और जो लाइव क्लासेस हैं, आपको उतने ही समय के लिए अवेलेबल होंगी. इतने समय में आपको क्या क्या मिलेगा मैं आपको बता देती हूँ. एक तो सभी 40 से जो ज़्यादा टीचर्स हैं उनकी लाइव क्लासेस आपको देखने के लिए मिलेंगी. यदि किसी दिन लाइव क्लासेस छूट जाती हैं तो आपको रिकॉर्डेड सेशन देखने के लिए मिलेगा. हर 2-3 क्लास बाद हर टीचर का एक डाउट सेशन होता है, तो मेरा भी डाउट सेशन होगा, जिसमें आप मुझसे अभी तक के रिलेटेड डाउट्स पूछ सकते हैं. आप डाउट्स कैसे पूछेंगे, आप क्वेश्चन की फोटो खींच देंगे और आप मुझे सेंड कर सकते हैं, वो मैं देख के आपका वहीं डाउट सॉल्व कर दूंगी. देन हर टीचर अपने क्विजेज अपलोड करता है, तो आप बहुत सारे क्विजेज करेंगे, जो भी आप टॉपिक करेंगे उसका क्विज, फिर अगला टॉपिक, फिर उसका क्विज, इस तरीके से. देन जो मेरे नोट्स हैं हैंड रिटन, जो मैं क्लास में लिखती हूँ, उसका आपको PDF मिलेगा वहाँ पे. देन हर संडे 720 मार्क्स का टेस्ट होगा 3 घंटे में, जो कि आपको मॉक नीट पेपर की तरह होगा. आपको आइडिया लगेगा कि नीट के पेपर आपको कैसे सॉल्व करना है. आइए शुरू करते हैं. अच्छा, जब भी आप ये सब्सक्रिप्शन लेने जाएंगे, आप ये कोड डाल सकते हैं, जो कि ये कोड डाल सकते हैं, जो कि मेरा गिफ्ट है आपके लिए, RITU. इसको डालते ही आपको 10% ऑफ हो जाएगा. जैसे 2 साल की फीस 36,000 है, तो यहाँ पे 10% ऑफ करते ही 32,000 हो जाएगी ये कोड डालते ही. 1 साल की फीस 30,000 है, ये कोड डालते ही 27,000 की हो जाएगी. चलिए बेटा जी, बिना किसी डिले के शुरू करते हैं. द लिविंग वर्ल्ड. ओके, व्हाट इज इट? फाइनली सक्सेसफुल. ये चैप्टर आपको बहुत परेशान करता है, क्योंकि आपको पता नहीं चलता इसमें क्या पढ़ना है, क्या लर्न करना है, कितना पढ़ना है, NCERT से पढ़ना है या NCERT से बाहर पढ़ना है. इसके ज़्यादातर क्वेश्चंस NCERT के अंदर से आते हैं. कभी कभी जो बाइनोमियल नॉमनक्लेचर के जो नाम है बेटा, वो कभी कभी बाहर से आ जाता है, और वो भी जनरली NCERT के किसी और चैप्टर में आपको मिल जाता है. सो मोस्टली हमने NCERT के अंदर ही रहना है. इसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है चैप्टर को. पहला पार्ट है व्हाट इज लिविंग, जिसमें हम एक्सप्लोर करेंगे कि यदि हम किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग कहते हैं तो भैया उसका मीनिंग क्या है. ठीक है, आपको नीट में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट यू नो अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग क्रिएचर, या इनमें से कौन सा डेफिनेट फीचर है लिविंग क्रिएचर का. ऐसा सस्ता सा क्वेश्चन आपको आ सकता है यहाँ से. देन आप सीखेंगे टैक्सोनॉमी क्या होता है एंड सिस्टमैटिक्स क्या होता है. सिस्टमैटिक्स, इन पे नीट में क्या कहते हैं,
डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, एक चीज़ की डेफिनेशन दे देंगे और फिर कहेंगे बताओ ये क्या है, ये टैक्सोनॉमी है, ये सिस्टमैटिक्स है, ये नॉमनक्लेचर है, ये आइडेंटिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन है। इस तरीके से आपको डेफिनेशन बेस्ड इस पर क्वेश्चन आ सकता है। देन आप पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज गौरीज, इससे आपको क्वेश्चन आ सकता है कौन सी कैटेगरी बड़ी है, किसमें ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर्स हैं, किसमें ज़्यादा डिससिमिलर कैरेक्टर्स हैं, क्या सीक्वेंस है कैटेगरीज का, ठीक है। अंत में आपको आएगा टैक्सोनॉमिक एड्स, ये शायद टैक्सोनॉमिक एड्स तक आज हम ना पहुंच पाए तो मैं कवर करने की कोशिश करूंगी, व्हाट इज लिविंग टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, सिस्टमैटिक्स एंड टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। चलिए बच्चों जी शुरू करें। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं, जो जो मैं बताती जाऊंगी दिमाग में आप साथ साथ बिठाते जाएंगे तो आपको नीट में कोई दिक्कत नहीं आएगी इस चैप्टर में। यदि आप सोचेंगे बाद में पढ़ लूँगा, अभी सिर्फ सुन लेता हूँ ये वो बकवास, तो आपका डबल टाइम वेस्ट होगा। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा जी जिस पे टाइम नहीं लगाना है। बायोलॉजी मेरा खुद का सब्जेक्ट है, पर एक अच्छा टीचर, एक सही टीचर हमेशा ही आपको सही गाइडेंस देगा। सही गाइडेंस ये है कि आपका मेजॉरिटी ऑफ टाइम केमिस्ट्री और फिजिक्स सीखने में जाना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री में तो फिर भी आपके नंबर आ जाते हैं, फिजिक्स में आप लोगों के नंबर आते नहीं हैं। और बेटा जी एंट्रेंस उसका क्रैक होता है जिसके फिजिक्स में नंबर आते हैं, ठीक है। सो जो टीचर्स आपको बायोलॉजी में लगाए रखेंगे उनसे आप बायोलॉजी टीचर्स बन जाओगे, आप बायोलॉजी में एमएससी बीएससी कर लोगे, परंतु आप नीट नहीं क्रैक करोगे। बायोलॉजी को एक लिमिटेड टाइम देना होता है, उसी लिमिटेड टाइम में आपको अपनी बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट समझने होते हैं और रटने होते हैं। बायोलॉजी को अत्यधिक टाइम नहीं देना है, ठीक है। देन बहुत सारा बच्चा कहता है मैम 360 में से 360 नंबर ले आऊँगा, कैसे लाऊँ मैम बताओ मैम। 360 में से 360 आपको एम भी नहीं करने हैं, आपको एम करना है 350 नंबर 360 में से, ठीक है। अब बच्चों कहोगे मैम ये तो मेरे लिए बहुत कम है। बेटा 350 नंबर कोई टीचर सॉल्व करने लगता है ना पेपर, ठीक है, कोई नीट का टीचर सॉल्व करेगा, उसके आएंगे 350 नंबर, आपको उसके लेवल पे पहुंचना है। 350 नंबर मजाक नहीं है, ठीक है। 350 नंबर के लिए आपको एक तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन रटी होनी चाहिए, कम से कम आपकी एनसीईआरटी 5 से 6 बार गो थ्रू हुई होनी चाहिए। अच्छे बच्चे 10-10 बार एनसीईआरटी गो थ्रू होते हैं जिनके एक्चुअली में 350 नंबर आते हैं, ठीक है। दूसरी बात, आपको 90 क्या कहते हैं क्वेश्चंस आधे घंटे में करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो आपका जोर कहाँ होना चाहिए बेटा जी, आपको इससे ऑनेस्ट गाइडेंस कहीं भी नहीं मिलेगी। आपका जोर कहाँ पे होना चाहिए, आपका जोर होना चाहिए एनसीईआरटी की एक एक लाइन समझने में, एक एक कॉन्सेप्ट समझने में और इसका एक एक वर्ड रटने में और क्वेश्चन लगाने में कि आपको 90 क्वेश्चन 30 मिनट में करने हैं, 30 नहीं तो 40 मिनट में करने हैं। यही गेम चेंजर है नीट का। जो बच्चा बायोलॉजी में एक घंटा 10 मिनट लगा देगा वो ऑलरेडी गेम से बाहर है। क्यों? केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए टाइम नहीं मिलेगा, फिजिक्स में कैलकुलेशन होगी, कहाँ से टाइम मिलेगा, ठीक है। अब 360 क्यों नहीं हमने एम करने, क्योंकि बेटा 350 और 360 के बीच में जो 10 नंबर हैं ये आउट ऑफ सिलेबस आते हैं। यही टाइम जो तुम 10 नंबर बढ़ाने में आ जाएंगे, मैं करा दूंगी 360 भी, लेकिन ये जो 10 नंबर बढ़ाने में आपका समय जाएगा ना बेटा, यही समय अगर आप फिजिक्स में लगा दोगे तो आपके 50 नंबर बढ़ सकते हैं वहां पे। आपके पास 5 साल नहीं है नीट क्रैक करने के लिए, आपके पास 1 ही साल है। सो ध्यान से, बहुत ज़्यादा फालतू टाइम बायोलॉजी को नहीं देना है, वो टाइम फिजिक्स के लिए यूटिलाइज करना है हमने। बैलेंस्ड तैयारी करके ही हम नीट क्रैक करेंगे, ऐसे हम नीट क्रैक नहीं कर सकते। चलिए, लिविंग की डेफिनेशन क्या है, लिविंग की डेफिनेशन क्या है। देखिए जब हम जिंदा चीज़ों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि एनसीईआरटी कह रही है उसी के वो बना रही हूँ, लिविंग थिंग्स ग्रोथ करेंगी, लिविंग थिंग्स के बच्चे पैदा होंगे, रिप्रोडक्शन करेगी, लिविंग थिंग्स में केमिकल रिएक्शन होंगे, है ना। केमिकल रिएक्शन होते हैं ना हमारी बॉडी में, बहुत सारा केमिकल रिएक्शन चल रहा है, सारा केमिकल रिएक्शन को बोल के मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। लिविंग थिंग्स में मेटाबॉलिज्म होगा, लिविंग थिंग्स सेल्फ रेगुलेटिंग होंगी, मतलब वो अपने आप को खुद ही रेगुलेट करती हैं, बाहर से तो कोई नहीं आता ना हमारे अंदर रेगुलेशन लाने के लिए। रेगुलेशन क्या होता है, चीज़ें जैसी हैं उनको वैसे ही मेंटेन करना, सेल्फ रेगुलेटिंग होंगी। देन लिविंग चीज़ें
लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने इन्वायरमेंट को सेंस कर सकती हैं। ये तो नहीं ना तुम्हें कोई थप्पड़ मार के चला जाए तुम्हें पता ही ना चले, सेंस हो जाएगा ना हमें, है ना। या फिर प्लांट्स के ऊपर अगर मान लो सारा अंधेरा कर दिया जाए, सिर्फ एक जगह से रोशनी दी जाए तो प्लांट को सेंस हो जाएगा ना उस तरफ से रोशनी आ रही है, फिर प्लांट उधर ही मुड़ने लग जाएगा। सो सेंसिंग द इन्वायरमेंट। देन सेंस करके रिस्पॉन्ड भी करना बेटा, कोई तुम्हें थप्पड़ मार के चला जाए तो तुम रिस्पॉन्ड भी तो करोगे ना, ऐसे तो नहीं ना ऐसे कुछ तो करोगे हाई लग गई, या अपने से छोटा है तो दे उल्टा दो मार दोगे उसके, है ना। प्लांट जब देखेगा एक साइड से लाइट आ रहा है तो वहीं मुड़ जाएगा। सो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, ये कुछ बेसिक कैरेक्टर्स हम लिविंग थिंग्स के कह सकते हैं। परंतु एनसीईआरटी डिस्कस करना चाह रही है मेन चार कैरेक्टर्स जिनको हम याद करेंगे ग्रिमेस से, ग्रिमेस, ठीक है। ग्रोथ के बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल में बात करेंगे, मेटाबॉलिज्म के बारे में डिटेल में बात करेंगे, और कॉन्शियसनेस के बारे में, ये चार के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो आपको ये भी याद रहना चाहिए कि ये चार पॉइंट्स कौन से थे जो मेन थे, जीआरएमसी, ग्रिमेस कैसे भी याद कर लो, ग्राइम कैसे भी याद कर लो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं ग्रोथ से। ग्रोथ क्या है मेरे बच्चों? किसी भी चीज़ का साइज बढ़ना एक ग्रोथ है। अगर मैं किसी नॉर्मल बंदे से पूछूं ग्रोथ क्या है, कोई चीज़ इतनी सी थी लेकिन ये इतनी बड़ी हो जाए तो मैं इसको ग्रोथ कह दूंगी। लेकिन ऐसा सिर्फ लेमैन लोग कहते हैं, ऐसा सिर्फ यू नो समझ रहे हो ना, जिनको साइंस का नहीं पता है वो लोग कहते हैं, हम ऐसे नहीं हैं। ऐसे तो बेटा जी एक सैंड ड्यून है ना, रेगिस्तान में सैंड ड्यून होती है, उसके ऊपर और रेत जमा होता जाएगा तो वो तो बड़ी सैंड ड्यून हो जाएगी, वो भी तो ग्रो कर रही है, तो वो तो हमारी ग्रोथ नहीं कहलाएगी ना, लिविंग थिंग नहीं कहलाएगी ना। सो ग्रोथ का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? लिविंग थिंग्स की जो ग्रोथ होती है वो इंटरनल ग्रोथ होती है बेटा जी। लिविंग थिंग्स की जो ग्रोथ होती है वो इंटरनल ग्रोथ होती है। जो मैंने सैंड ड्यून की बात करी, एक रेत का टीला बढ़ बढ़ के बड़ा बन जाएगा, ये एक्सटर्नल ग्रोथ है। क्यों? इसके ऊपर से रेत चढ़ता जा रहा है ना इसके ऊपर। सो ऊपर से अगर कोई चीज ऐड हो रही है तो उसको एक्सटर्नल ग्रोथ बोलेंगे। अगर कोई बच्चा बढ़ रहा है, अगर कोई बेबी बढ़ रहा है, ये लो, ये मदन लाल जब छोटा था, तो ऐसा नहीं है ना कि जब ये ग्रो कर रहा है तो इसके ऊपर मैल जमता जा रहा है और ये मदन लाल का साइज इंक्रीज होता जा रहा है, ऐसा नहीं है ना। ये ग्रो कैसे हुआ है बेटा जी? इसके अंदर सेल जो है वो माइटोसिस कर रहे हैं। सो इंटरनली ग्रोथ आ रही है इसके अंदर से, एक्सटर्नली ग्रोथ नहीं आ रही। इंटरनल ग्रोथ इज द फीचर ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स, ये हम बात ध्यान रखेंगे। इसको जरा स्टार बना के लिख लो, डिफाइनिंग फीचर है ये। इंटरनल ग्रोथ इज द डिफाइनिंग फीचर, मतलब ये सभी में होगा। ऐसा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसमें इंटरनल ग्रोथ नहीं होती हो। अब एक और पॉइंट दिया हुआ है एनसीईआरटी में जो हम देखेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जैसे कि मैं हूं या आप हूं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग है ना। जब एक बच्चा ग्रो कर रहा है, मैं ग्रो कर रही थी या मदन लाल ग्रो कर रहा है, तो हम साथ साथ में रिप्रोडक्शन नहीं करते ना, हम पहले ग्रो करते हैं, है ना। फिर जब हम मैच्योर एज में आ जाते हैं, मैच्योर में नहीं, हम रिप्रोड्यूसिबल एज में आ जाते हैं, तो हम बच्चे पैदा करते हैं। मतलब हमारा ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेपरेट है, ग्रोथ अलग है, बॉडी का ग्रो करना और हमारे बच्चे पैदा करने का प्रोसेस अलग अलग है। दिस इज सेपरेट। अब तुम कहोगे मैम ये तो सभी का ही सेपरेट होता है, इसमें बताने की क्या बात है।
बेटा जी, अगर आप किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करो, आप किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करो तो इसका ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन सेम ही है। कैसे? देखिए, इसका एक सेल है, इस सेल में ग्रोथ हो रही है, और ये अल्टीमेटली देखो, ग्रोथ का मतलब साइज ग्रो करना है और नंबर ऑफ सेल्स ग्रो करना है। ग्रोथ में दोनों इंक्लूड होता है ना, साइज ऑफ सेल एंड नंबर ऑफ सेल। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ ग्रोथ नंबर ऑफ सेल्स से आती है। तो जैसे ही अपनी ग्रोथ कर रहा है, ग्रोथ करके थोड़ा साइज बड़ा होके ग्रोथ कैसे करेगा, एक सेल दो सेल में टूट जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो गए, लेकिन क्योंकि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे ही इसने अपने नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज किए, ये दो ऑर्गेनिज्म बन गए। ये बन गया ऑर्गेनिज्म टू या वन, ये ऑर्गेनिज्म टू, डॉटर सेल्स बन गए। समझ रहे हो? तो बेचारा ये तो कंफ्यूज ही हो जाता होगा, है ना। चला था ग्रोथ करने, रिप्रोडक्शन हो गई। शुक्र है हमारे साथ ऐसा नहीं होता, बच्चे चले हों ग्रोथ करने और रिप्रोडक्शन कराएं, ऐसा नहीं होता ना मल्टी सेलुलर में। यूनिसेलुलर में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर वन एंड द सेम। बस आपको ग्रोथ में ये पॉइंट्स याद रखने हैं, पहला पॉइंट इंटरनल ग्रोथ, सेकेंड पॉइंट मल्टी सेलुलर में क्या होता है, थर्ड पॉइंट यूनिसेलुलर में क्या होता है। आगे चलूं? बोलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। क्या याद किया था हमने? जीआरएमसी, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। आइए, रिप्रोडक्शन की कला, बच्चे पैदा करने की कला। रिप्रोडक्शन क्या है? जब एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे एक और ऑर्गेनिज्म को जन्म दे देता है, या एक जैसे ह्यूमन बीइंग्स देते हैं, या जैसे फीमेल डॉग देती है, तीन चार पांच को भी दे सकता है, अपने जैसे किसी और ऑर्गेनिज्म को जन्म दे देना रिप्रोडक्शन कहलाता है। रिप्रोडक्शन हम जानते हैं बेटा जी, दो प्रकार की होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसमें हमने डिफरेंस क्या किया है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा, पहले बताया था, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होता है बेटा। मेल और फीमेल गैमीट यदि जुड़ जाएं तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, फर्टिलाइज हो जाएं। यदि मेल और फीमेल गैमीट फर्टिलाइज नहीं हो रहे तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कभी भी नहीं हो सकती है, वो एसेक्सुअल ही रहेगी। अब आप देखिए, सारी जनता तो रिप्रोडक्शन कर रही है, एक छोटे से बैक्टीरिया से लेके एक इतने बड़े एलिफेंट तक, सब लोग तो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन तो डिफाइनिंग फीचर होना चाहिए। डिफाइनिंग फीचर मैं आपको बता चुकी हूँ, वो होता है जो सभी पे अप्लाई होता हो। जितना जिंदा चीज़ है, जितना जिंदा ऑर्गेनिज्म है, लिविंग थिंग्स है, सभी पे अप्लाई होता हो। परंतु आपको जान के हैरानी होगी कि रिप्रोडक्शन सब पे अप्लाई नहीं होता। किस पे अप्लाई नहीं होता मेरे बच्चों? आओ बात करें, म्यूल, खच्चर। कैसे बनता है म्यूल? बोलिए, फीमेल कैसे बनता है? फीमेल हॉर्स होती है कि फीमेल डोंकी होता है, भूल रही हूँ मैं, दो मिनट। हिनी, हिनी में लाइगर, लाइगर में मेल लायन होता है, हिनी में मेल हॉर्स होता है, तो यहाँ पे फीमेल हॉर्स होती है, मेल डोंकी। ऐसे ही बनना चाहिए। एक बार जरा कमेंट्स में लिखेंगे क्या मैंने सही लिखा है, बोलिए क्या मैंने सही लिखा है, ये बोलो क्या ये मैंने सही लिखा है, क्योंकि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूं। फीमेल हॉर्स मेल डोंकी पक्का? शुभांगी, चलो चलो, मान लिया मान लिया मान लिया। ये एक हाइब्रिड है। क्या बोलते हैं इस हाइब्रिड को बेटा? अपन ने प्लस टू के एक चैप्टर में पढ़ा है, स्ट्रैटेजीज ऑफ फूड इन्हेंसमेंट में, इनको बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड, क्योंकि ये दो अलग अलग स्पीशीज के मेटिंग से मिला है। तुम्हें क्या लगता है ये मेटिंग क्यों करते हैं? इनका मन करता है?
कि हॉर्स और डंकी का मन किया आज तो मेटिंग कर लेते हैं और उन्होंने म्यूल बना दिया. नो, वी हैव आर्टिफिशियली क्रिएटेड इट इन द लैब. ठीक है, अब ये जो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड है ये स्टेराइल है बेटा. म्यूल कभी दो म्यूल मेट करके एक और म्यूल पैदा नहीं कर सकते. आपको जब भी म्यूल बनाना है आप फिर से फीमेल हॉर्स और मेल डंकी के गैमेट्स को फ्यूज करेंगे. म्यूल म्यूल आगे बच्चे पैदा नहीं कर सकते. तो ये तो रिप्रोडक्शन नहीं करता तो क्या ये जिंदा नहीं है? हक छीन लोगे तुम इससे जिंदा कहलाने का? तुम बोलो. और एग्जाम्पल सुनो, वर्कर बीज. ठीक है जी, हनी बीज की बात हो रही है. ये हनी बीज में तीन कैटेगरीज होती है, कौन कौन सी? क्वीन, वर्कर बीज, ड्रोन. वर्कर बीज स्टेराइल फीमेल्स होती हैं. अब इसको तो हमने भी नहीं बनाया, नेचर में ही बन रही हैं ये वर्कर बीज, तो क्या ये जिंदा नहीं है? और सुनो, ऐसे कपल, इनफर्टाइल कपल्स जिनके बच्चे नहीं पैदा होते, क्या वो जिंदा नहीं है? तुम उनसे जिंदा कहलाने का हक छीनना चाहते हो क्या? बोलो. तो बेटा जी, इससे हमें क्या पता चलता है कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा फीचर नहीं है जो कि सभी जिंदा ऑर्गेनिजम्स में मिले. तो डिफाइनिंग फीचर नहीं कह सकते हम इसको. लिख दो, रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर. क्या सीखा हमने अभी तक? ग्रोथ में इंटरनल ग्रोथ इज द डिफाइनिंग फीचर, रिप्रोडक्शन में इट इज नॉट द डिफाइनिंग फीचर. आगे चले, ढूंढते हैं आगे. जी आर एम सी मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ये मैं बार बार आप लोगों को बहुत सारे चैप्टर्स में आप लोगों से बात करती रहती हूँ, करती हूँ ना. कोई आपकी बॉडी में पता है आपको कितने केमिकल्स हैं? आपको पता है आपकी बॉडी केमिकल्स से ही बनी हुई है? अब आप कहोगे मैम हम तो केमिकल फूड भी नहीं खाते, कहाँ से इतने केमिकल आ गए? मेरे बच्चों, वो हार्मफुल केमिकल है जो केमिकल फूड होता है, केमिकल फलाना, केमिकल ढिमकाना. हमारी बॉडी केमिकल क्या है यार? केमिस्ट्री का कोई भी कंपाउंड केमिकल है. तो आप उसी से तो बने हुए हो, और किससे बने हुए हो? ठीक है, जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, जो आपका फैट है, वो भी तो केमिकल ही है. केमिकल ही तो है, केमिस्ट्री का कंपाउंड ही तो है. ठीक है, सो मेरे बच्चों, आपकी बॉडी पूरी केमिकल कंपाउंड से बनी हुई है, और वो केमिकल कंपाउंड्स जुड़ जुड़ के या तो कोई बड़ा केमिकल कंपाउंड बनाते रहते हैं, या टूट टूट के कोई छोटा केमिकल कंपाउंड बना रहे हैं. कुछ बच्चे सोच रहे हैं पता नहीं क्या इक्वेशन लिख दी मैंने. कुछ नहीं है रे बच्चों, समझा करो. कोई छोटी चीज़ प्लस कोई छोटी चीज़ जोड़ के बड़ी चीज़ बन गई. छोटा आलू जोड़ के बड़ा आलू बना दिया, छोटी रुई जोड़ के बड़ी रुई बना दी, या एक बड़े आलू के छोटे छोटे पीसेस कर दिए. ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन ही तो है, चीज़ें तोड़ना और चीज़ें जोड़ना. ठीक है, इन रिएक्शंस को बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस. बहुत बार बात करते हैं हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस के, दो प्रकार हैं. एक ये प्रकार जिसमें हमने बड़ी चीज़ को काट दिया छोटी छोटी चीज़ों में, इसका नाम क्या बताया हुआ है मैंने आपको? कैटाबॉलिज्म, है ना. मेटाबॉलिक रिएक्शन में कौन सा है? कैटाबॉलिक रिएक्शन, जब हमने बड़ी चीज़ को चाकू से काट दिया, आलू को काट दिया ना तुमने. और इसको क्या बोला हुआ है हमने जिसने जोड़ा है? एनाबॉलिक रिएक्शन या एनाबॉलिज्म. सही है. तो बेटा जी, आपको पता है बिना मेटाबॉलिक रिएक्शन के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता, चाहे वो बैक्टीरिया ही क्यों ना हो. ठीक है, अब तुम कहोगे मैम वायरस, वायरस में तो कोई, जब वायरस हवा में उड़ रहा है ना, जैसे कोरोना वायरस है हवा में उड़ रहा है, तो उसके अंदर कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं हो रहा इस वक्त. लेकिन वायरस को हम लिविंग में लेते ही नहीं है, तो वायरस की तो बात ही छोड़ दो. तो क्या वायरस नॉन लिविंग है? नहीं बेटा, वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग की बाउंड्री पे रखा जाता है. सो वायरस की तो बात ही छोड़ दो, बैक्टीरिया से आओ. बैक्टीरिया से लेके बड़े से बड़े एनिमल में आपका मेटाबॉलिक रिएक्शन होगा ही होगा. तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ, मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग फीचर? देखो
डिफाइनिंग फीचर ऑफ अ लिविंग स्टेट, ठीक है, कि भैया लिविंग होने के लिए आपको मेटाबॉलिज्म तो होना ही पड़ेगा। चलो ये स्टेटमेंट सही है, अभी आप इससे एग्री करते हो। यार दिक्कत ये है कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस को आप लैब में भी कर सकते हो। आपने एक पतीला लिया, उसमें ए केमिकल डाला, बी केमिकल डाला, सी बना सकते हो। तो यार ये तो गलत हो गया, मेटाबॉलिक रिएक्शन तो बाहर भी हो रहे हैं, लेकिन मेटाबॉलिक रिएक्शन समझ रहे हो, अंदर तो हो ही रहे हैं बाहर भी हो रहे हैं, तो थोड़ी सी मॉडिफाई करनी पड़ेगी अपने को डेफिनेशंस। मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर, बट मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं होते मेटाबॉलिक रिएक्शन, नॉन लिविंग प्लेस में भी आप मेटाबॉलिक रिएक्शन कर सकते हो, बात ये है। तो बेटा जी कुछ सही सा नहीं लग रहा, मेटाबॉलिक रिएक्शन सब में होते हैं मान लिया, लेकिन बाहर भी हो रहे हैं यार, तो हमें कुछ और डिफाइनिंग फीचर बनाना पड़ेगा। इस डेफिनेशन की जगह एक और डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। मैं ये डेफिनेशन लिखूंगी यार, जब मेटाबॉलिक रिएक्शन सेल के अंदर हो रहे हो, वो है लिविंग थिंग्स का डिफाइनिंग फीचर। लो जी मेटाबॉलिक रिएक्शन बाहर हो रहे हो, मैं पतीले में बना दूं लैब में, तो मैं क्या कहूंगी, पतीला भी लिविंग है, क्यों, मेटाबॉलिज्म इज द फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो ये तो लिविंग हो गया मेरा पतीला जिसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है, गलत हो गया ना। तो मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूं अपनी डेफिनेशन को, फाइनल डेफिनेशन मेरी ये है, क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकरिंग इनसाइड अ सेल, इनसाइड सेल्स, ये है डिफाइनिंग फीचर, इज द डिफाइनिंग फीचर। और इससे एक और भी कंक्लूजन निकाल लूंगी कि भैया सेल होना जरूरी है, पतीले में मेटाबॉलिक रिएक्शन करने से कुछ नहीं होगा, सो सेलुलर नेचर इज द डिफाइनिंग फीचर, सेलुलर नेचर होना चाहिए, सेल होना ही होना चाहिए, इज ऑल्सो डिफाइनिंग। डिफाइनिंग की स्पेलिंग देख रहे हो बेटा, NING। अभी तक क्या क्या कुछ आपने डिफाइनिंग कर दिया है, अरे रे, अभी तक क्या क्या आपने डिफाइनिंग कर दिया है, इंटरनल ग्रोथ और सेलुलर नेचर, सेल्स उसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा हो, ये डिफाइनिंग फीचर है। चलो आ जाओ लास्ट पॉइंट, खत्म करो, GRMC, कॉन्शियसनेस, कुछ नहीं है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब ये होता है बेटा, आपको कोई थप्पड़ मार के पता चल जाए तो आपको पता चल रहा है आप कॉन्शियस हो। मान लो आप बेहोश हो, आप अनकॉन्शियस हो, अनकॉन्शियस बोलते हैं ना बेहोश को, आपको कोई थप्पड़ मार के पता चल, आपको कोई थप्पड़ मार के चला जाए आपको पता ही ना चले, तो आप अनकॉन्शियस हो, है ना। सो कॉन्शियसनेस बेसिकली क्या है, दैट यू आर सेंसिंग योर एनवायरनमेंट। कॉन्शियसनेस क्या है, सेंसिंग द एनवायरनमेंट, और ये सब करते हैं बेटा। अब तुम कहो मैडम मैं प्लांट को थप्पड़ मार के चला जाऊं, तो वो तो नहीं मेरे को ऐसे मुड़ के देखता है कि यू राहुल आई हैव सीन यू, अभी अभी तूने मुझे थप्पड़ मारा है। बेटा प्लांट उस पर उस तरीके से रिएक्ट नहीं करता जैसा कि तुम देखते हो ह्यूमंस रिएक्ट करते हैं, लेकिन प्लांट रिएक्ट तो करता ही है, ठीक है, उसको सेंस तो होता ही है कि तुमने उसको छेड़छाड़ किया है, और वो रिएक्ट भी करता है लेकिन उस तरीके से नहीं कि आप परसीव कर सको। कॉन्शियसनेस एनवायरनमेंट को परसीव करना बहुत बहुत नहीं यार, सारे ऑर्गेनिजम्स का फीचर है, सिर्फ ह्यूमंस है जिनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। अब सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब ये नहीं होता कि आप ओहो मैं कॉन्शियस हो रही हूँ, इतने सारे लोग मुझे देख रहे हैं, मैं इतनी सुंदर लग रही हूँ, ओ आई एम सो सेल्फ कॉन्शियस, वो सेल्फ कॉन्शियस नहीं। सेल्फ कॉन्शियस होने का मतलब है आप अपने आप को लेके अवेयर हो, मेरी बॉडी, मेरे साथ ये हो रहा है, आप अपने आप को भी देख सकते हो बाहर से, सेल्फ कॉन्शियसनेस। सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स का फीचर है और किसी का नहीं। बस खत्म हो गई डिफाइनिंग फीचर्स, बस। चलो थोड़ा सा अगली कैटेगरी में चलें। मुझे पता है ये चैप्टर करते हुए तुम्हें मौत आती है ना, लेकिन सीखना तो है ही, ये क्लास लगा लोगे ना तो भी तुम्हारा ये चैप्टर हो जाएगा, बस क्वेश्चंस लगा लेना जाके इसके। डिफाइनिंग फीचर्स कौन कौन से हो गए फिर, इंटरनल ग्रोथ,
सेकंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर नेचर, रिप्रोडक्शन को तो हमने छोड़ दिया था, रिप्रोडक्शन नहीं था, एंड कॉन्शियसनेस। ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा, बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, तो तुम ये तीन दे देंगे तुम्हें डिफाइनिंग फीचर, चौथा तुम्हें कुछ और दे देंगे, तो तुम्हें चौथा मार्क करना है, हो जाएगा। फिर अंत में एनसीईआरटी एक डेफिनेशन दे रही है लिविंग बींग्स की, लिविंग बींग्स की डेफिनेशन दे रही है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लीकेटिंग, हालांकि सब नहीं करते, लेकिन चलो कोई बात नहीं, डेफिनेशन में लिख लो। देखो यार वो चार पॉइंट्स है ना, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन और कॉन्शियसनेस, उसी को चेंज करके लिखा हुआ है। सेल्फ रेप्लीकेटिंग मतलब रिप्रोडक्शन, इवॉल्विंग मतलब ग्रोथ, चाहे वो मेंटल इवॉल्विंग हो चाहे वो फिजिकल इवॉल्विंग हो। सेल्फ रेप्लीकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, सेल्फ रेगुलेटिंग मतलब अपना काम अंदर कॉन्स्टेंट रखते हैं, मतलब मेटाबॉलिज्म प्रॉपर हो रहा है। सिस्टम्स, इंट्रैक्टिव सिस्टम्स विच आर एबल टू सेंस द इन्वायरमेंट, ये डेफिनेशन आपकी एनसीईआरटी दे रही है। तो इससे डरना नहीं है, मैंने भी बड़ी मुश्किल से लर्न करी है, तुमको भी हो जाएगी। क्या है इसमें? सेल्फ रेप्लीकेटिंग मतलब रिप्रोडक्शन, इवॉल्विंग मतलब ग्रोथ होना, सेल्फ रेगुलेटिंग मतलब मेटाबॉलिज्म होना, सिस्टम्स, इंट्रैक्टिव सिस्टम्स विच आर एबल टू सेंस द इन्वायरमेंट, जो कि सेंस कर पाते हैं इन्वायरमेंट को, कॉन्शियसनेस है उनके अंदर। तो वही चार पॉइंट्स तो हैं जो पहले पढ़े थे, जीएमआरसी या जीआरएमसी। ठीक है, खत्म ग्रोथ वाला पार्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलिए आगे चलें। चलो पहला पार्ट हो गया खत्म, अब दूसरे पार्ट पे आओ बिना किसी देरी के। ये चैप्टर ऐसा है ही नहीं कि इसमें टाइम लगाएं। टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, अरे रे सिस्टमैटिक्स, टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। आइए पहले इनको देखते हैं कि ये डेफिनेशन क्या है। देखो सुनो, तुम बन गए बहुत बड़े, कुछ नहीं, तुम कुछ नहीं बने, मान लो तुम एक साइंस स्टूडेंट हो और तुम गए जंगल में और तुम्हें एक अजीब सा क्रिएचर मिला डायनासोर टाइप्स का, ठीक है, और तुम्हें विश्वास नहीं हुआ क्योंकि वो किसी भी ऑर्गेनिज्म जो तुमने आज तक देखा था उससे डिफरेंट था। तो तुमने कहा यार ये तो, इसको तो साइंटिस्ट्स को स्टडी करना चाहिए। तो तुम उसको उठा लाए और समहाउ उसने तुम्हें जान से नहीं मारा, गिवन दैट, तुम उसको उठा लाए साइंटिस्ट के पास और तुमने कहा कि लाओ इसको स्टडी करो यार, देख तो मैं भी स्टडी करूँगा। तो साइंटिस्ट तुम्हें क्या लगता है उसको बस कुछ भी करके उसको स्टडी करने लग जाएंगे? नहीं, वो बहुत ही एक बहुत ही सही सा पैटर्न यूज़ करेंगे। ठीक है, इन साइंटिस्ट को टैक्सोनॉमिस्ट्स कहा जाता है। ठीक है, जो किसी नई स्पीशीज़ को पहचान करते हैं। और टैक्सोनॉमी कोई छोटी मोटी साइंस नहीं है, तुम लगा रहे हो कि यार किसी को कुछ नहीं मिल रहा तो चलो टैक्सोनॉमिस्ट बन जाओ। बहुत सालों की मेहनत चाहिए होती है टैक्सोनॉमिस्ट की, आप प्रॉपरली किसी नई स्पीशीज़ को पहचान सको। तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले तो वो उसके कैरेक्टर्स डिफाइन करेंगे, जैसे कि इसकी चार टांगे हैं, लिखेंगे चार टांगे हैं, इसके दांत बड़े बड़े हैं लिखेंगे, इसकी आंखें इस कलर की है लिखेंगे, इसकी पूंछ है इस तरीके से लिखेंगे, इसकी स्किन ड्राई है, ऐसे ऐसे इसके कैरेक्टर्स लिखेंगे, इसको प्रॉपरली डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, सो पहला स्टेप जो वो करेंगे उसे कहेंगे हम आइडेंटिफिकेशन, उसके कैरेक्टर आइडेंटिफिकेशन, उसके कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं हम, है ना, उसके जो बेसिक कैरेक्टर्स है उसको डिफाइन करने, उसकी डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं। डिस्क्राइबिंग, रुको एक अच्छी सी डेफिनेशन एनसीईआरटी की, रुको मैं देती हूँ तुम लोगों को, रुको 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 रुको, डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, थोड़ा सा मिटा के अच्छा लिख लेते हैं, रुको। करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म,
ठीक है जी, पहले आपकी डिस्क्रिप्शन करी, फिर अब कहेंगे यार इसको कोई नाम दे देते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है ऐसे देंगे, आज से तुम्हारा नाम बबलू है, कुत्ता थोड़े बे कि शक्तिमान नाम दे दोगे उसको, आप उसको प्रॉपरली नाम दोगे कि दुनिया में फिर से अगर ऐसा ही क्रिएचर पकड़ा जाए तो आपको पता हो कि भैया ये वो क्रिएचर है। या फिर जैसे इजी सी बात कर लेते हैं, कोई तुमने फ्रूट देखा और दुनिया के किसी और कोने में वो फ्रूट की बात हो रही है, वो फ्रूट किसी और ने देखा, तो भैया उस कोने में कुछ और कहते होंगे उस फ्रूट को, हमारे कोने में कुछ और कहते हैं, तो उनका एक कॉमन नाम होना चाहिए ना जो सबको पता हो, फ्रूट का कॉमन नाम होना चाहिए, एक ऐसा कॉमन नाम, तो खैर मैंने गलत बोल दिया, एक ऐसा नाम होना चाहिए जो पूरी दुनिया में सेम हो उस फ्रूट का, ठीक है। फिर हम उसको एक ऐसा नाम देंगे कि ये नाम मैं दुनिया में कहीं भी खड़े होकर बोल दूं, किसी भी साइंटिफिक कम्युनिटी में सबको पता चल जाएगा मैं किस ऑर्गेनिज्म की बात कर रही हूँ, किस फ्रूट की बात कर रही हूँ, किस एनिमल की बात कर रही हूँ। सो वो प्रॉपर नेमिंग करना, उसे कहते हैं नॉमनक्लेचर, साइंटिफिक नेमिंग। तो तुमने उस डायनासोर नामक क्रिएचर का कोई नाम रख दिया, जैसे कि मान लो तुमने नाम रख दिया इसका बबलू पिंटू, तो हमने इसका नाम रख दिया बबलू पिंटू, ये इसका साइंटिफिक नेम हो गया, ठीक है जी। देन अब आप उसको जो आपने पहले से जो कैटेगरीज बनाई हुई है ना, आप बहुत सारी कैटेगरीज बनाई हुई हैं, जैसे कि हमने बड़ी सारी किंगडम्स बनाई हुई हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, आपको देख के पता चल रहा है भैया वो प्लांटी में आना चाहिए, प्लांट तो नहीं है ना, नहीं वो किंगडम एनिमलिया में आना चाहिए, वो बैक्टीरिया भी नहीं है, नहीं तो वो छोटा सा सिंगल सेल्ड होता, प्रोटोजोन नहीं है सिंगल सेल्ड होता, फंजाई नहीं है क्योंकि फंजाई मूव नहीं कर सकता, ठीक है, तो मतलब वो किंगडम एनिमेलिया में आ रहा है, तो तुमने उसको एक प्रॉपर किंगडम में डाला, फिर तुमने उसको प्रॉपर जैसे मान लो एनिमेलिया में डाल दिया, फिर तुमने देखा कि यार इसकी फाइलम क्या है, फाइलम हमने देखनी शुरू करी, फाइलम्स कैसी होती है ना अपनी स्पॉन्जिस वाली फाइलम, देन नाइडेरिया, देन टीनोफोरा, प्लेटी हेलमेंथिस, तुमने देखा यार ये तो इनवर्टिब्रेट से मैच नहीं कर रहा, इसकी तो वर्टिब्रल कॉलम है इसका प्रॉपर, तो मतलब ये तो वर्टिब्रेट्स में आ रहा है ना, तो आपने फिर उसको कॉर्डाटा फाइलम में डाला क्योंकि कॉर्डाटा के अंदर वर्टिब्रेटा आता है, सब फाइलम वर्टिब्रेटा में डाला, फिर आपने देखा यार इसके फीचर तो रेप्टाइल्स से मिल रहे हैं, समझ रहे हो, फिर आपने उसको क्लास रेप्टिलिया में डाला, तो आपने उसको प्रॉपरली उसकी जगह पे डाल दिया जो कि उसके जैसे क्रिएचर्स और हैं, आपने उसको वहां पे क्लासिफाई कर दिया, इसे बोलते हैं क्लासिफिकेशन। Putting the organism in proper taxon, मैंने एक वर्ड यूज किया है taxon या taxa, taxa प्लूरल होता है, taxon सिंगुलर होता है, taxa क्या है बेटा, ये भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये जितनी भी कैटेगरीज होती है ना बेटा, हर एक कैटेगरी को taxon बोलते हैं, तो ये किंगडम भी taxon है, समझ रहे हो, कॉर्डेटा भी टैक्सॉन है, रेप्टिलिया भी टैक्सॉन है, इनका लेवल अलग अलग है, ये छोटा टैक्सॉन है, ये बड़ा टैक्सॉन है, बट टैक्सॉन तो है ना, टैक्सॉन कुछ नहीं होता यार, कैटेगरी होती है बस, ठीक है। सो उसके बाद आपने उसकी क्लासिफिकेशन कर दी, ये तीनों स्टेप्स बेटा जी, आइडेंटिफाई करना मतलब प्रॉपरली डिस्क्रिप्शन देना उसका, नॉमनक्लेचर देना मतलब उसका साइंटिफिक नेमिंग करना, क्लासिफिकेशन करना मतलब उसको एक प्रॉपर जगह पे क्लासिफाई कर देना, ठीक है जी, ये तीनों स्टेप्स मिला के आपकी क्या बन जाती है, दीज थ्री स्टेप्स, इन्हीं को टैक्सोनॉमी कहा जाता है, ठीक है। टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ थ्योरी, थ्योरी भी पढ़नी है हमने साइंस में एंड प्रैक्टिकल भी पढ़ना है, प्रोसीजर ऑफ, किस किस की थ्योरी पढ़नी है, किस किस का प्रैक्टिकल पढ़ना है, इनका आइडेंटिफिकेशन, नॉमनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्या है टैक्सोनॉमी, तो मतलब टैक्सोनॉमी इनका बाप है बेटा, टैक्सोनॉमी के अंडर ये कैटेगरीज आ रही है, ये भी टैक्सोनॉमी के अंडर है, ये भी टैक्सोनॉमी के अंडर है, ये भी टैक्सोनॉमी के अंडर है। टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, समझ रहे हो, हाँ जी,
कैन यू प्रोवाइड क्वेश्चन शीट, क्वेश्चन शीट्स काकू प्रजापति, हाँ इसका क्वेश्चन शीट तो नहीं, मैं आपको टेस्ट प्रोवाइड करूँगी बेटा जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा सैटरडे को। बोलो जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी, जल्दी बोलेंगे फिर आगे चलते हैं। टेक्सोनॉमी समझ में आया? अगर आपसे कोई टेक्सोनॉमी पूछे तो आपने धड़ से डेफिनेशन चिपका देनी है, ओके? उपासना पांडे आई ऑल्सो लव यू। अंजलि रावत क्या हो गया बेटा? अच्छा आप पूछ रहे हैं, कोई बच्चा मेटाबॉलिज्म पे क्वेश्चन पूछ रहा है, बेटा अगर आपको ऐसा ऑप्शन आएगा मेटाबॉलिज्म इनसाइड सेल तो आप मार्क करेंगे डिफाइनिंग फीचर में, अगर सिर्फ मेटाबॉलिज्म आएगा तो आप ना ही मार्क करेंगे, ठीक है? आई होप टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन क्लियर है, ये तीनों टेक्सोनॉमी के अंडर आती हैं। अब आ गया सिस्टमैटिक्स, क्या है ये? अरे रे कहाँ पहुंच गए हम, कोई बात नहीं। सिस्टमैटिक्स, सिस्टमैटिक्स है बेटा, तुमने पढ़ा डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, है ना? अब मैं तुम लोगों को कई बार जब एनिमल किंगडम पढ़ाती हूँ तो मैं ये बात बताती हूँ तुम लोगों को कि तुम्हें पता है जो बर्ड्स हैं और जो मैमल्स हैं, ये सत्य घटनाएं हैं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, जितने बर्ड्स हैं और जितने मैमल्स हैं वो सभी रेप्टाइल्स से बने हैं। रेप्टाइल्स का एक ग्रुप से बर्ड्स बने हैं और रेप्टाइल्स के दूसरे ग्रुप से जो साइनाप्सिडा वाला ग्रुप है उससे मैमल्स बने हैं। मैंने तुम्हें ये बातें बताई होंगी। फिर मैंने कहा तुम्हें पता है रेप्टाइल्स कहाँ से आए हैं? जब एम्फीबियंस थे ना, जो एम्फीबियंस को पानी चाहिए होता है रिप्रोडक्शन के लिए, मेंढक बिना पानी के रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है ना, तो पहले एम्फीबियंस बने थे, लेकिन एम्फीबियंस में से कुछ एम्फीबियंस ने अडेप्ट कर लिया कि वो सूखे इन्वायरमेंट में भी जिंदा रह सकते हैं, उनको पानी नहीं चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए, और वो एम्फीबियंस रेप्टाइल्स बन गए। कुछ एम्फीबियंस एम्फीबियन ही रहे, जैसे फ्रॉग तो आज भी एम्फीबियन है, लेकिन उसमें से कुछ रेप्टाइल बन गए। तुमने कहा है मैम सही बताओ, और तुम लोगों को पता है ये जो एम्फीबियन है ये फिश से बने हैं। ये तो बहुत ही अजीब बात है यार, फिश से एम्फीबियन बने हैं, एम्फीबियन से रेप्टाइल बने हैं, रेप्टाइल से बर्ड्स और मैमल्स बने हैं, एनिमल किंगडम में हम यही पढ़ते हैं। तो बेटा हमने एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखा है इनके बीच में, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन कैटेगरीज या टैक्सन, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ही तो आप देख रहे हो ना। और मैं तुम्हें एग्जांपल देती हूँ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के, हम कहते हैं कि यार कौन सा था वो, कौन सा बहुत बढ़िया एग्जांपल था वो, याद करें तो एग्जांपल भूल गई मैं बच्चों। हाँ, हर्डमैनिया नाम का एक क्रिएचर देखा है तुमने, तुम्हारी एनसीईआरटी में एसीडिया दिया हुआ है, एसीडिया ऐसे बनाया हुआ है ना, एसीडिया ऐसा सा कुछ बना, ट्यूनिकेटा में कुछ ऐसा बनाया हुआ है ना। मैं कहती हूँ कि यार ये जो एसीडिया है ये कॉर्डेट है यार, कॉर्डेट्स तो हम हैं, एसीडिया कितना डिफरेंट है, एसीडिया समुद्र में रहता है, एसीडिया कभी भी अपने सरफेस से अलग नहीं होता, अटैच रहता है, मूव नहीं कर सकता, ठीक है? एसीडिया के पास नोटोकॉर्ड नहीं है एडल्ट के पास। तो मैंने कहा यार एसीडिया कैसे हो सकता है यार, कॉर्डेट कैसे हो सकता है, मैं हूँ कॉर्डेट। तो फिर जब हमने उसको ध्यान से स्टडी किया तो हमने देखा कि उसके लार्वा में नोटोकॉर्ड होती है, ठीक है? तो मतलब वो एक्चुअली में कॉर्डेट है। तो मैंने एसीडिया और अपना एवोल्यूशनरी वो स्टडी किया कि भैया हम दोनों रिलेटेड हैं, हमारा कोई कॉमन एंसेस्टर होगा कभी, समझ रहे हो? ऐसे जब हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स स्टडी करते हैं ना बेटा जी कैटेगरीज में, उसकी साइंस को ही सिस्टमैटिक्स कहते हैं, साइंस ऑफ स्टडिंग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन कैटेगरीज। एम आई क्लियर? ये आपको ध्यान रख के बिठा लेनी है दिल में, क्योंकि टेक्सोनमी और सिस्टमेटिक्स में से यदि एक की भी डेफिनेशन आ गई ना तो आपको, आप कंफ्यूज ना हो जाओ वहाँ पे, अभी इसी क्लास में बिठा लो ताकि आप इसको ना नीट 2020 तक भूलो ना नीट 2021 तक भूलो। टेक्सोनमी क्या है? तीन चीज़ों का मिश्रण है टेक्सोनॉमी, ठीक है? और सिस्टमैटिक्स क्या है? कैटेगरीज के बीच में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, कौन किससे बना है, कौन किसका भाई है, कौन किसका बाप है, फिश जैसे एम्फीबियन का बाप है, एम्फीबियन रेप्टाइल का बाप है, बर्ड्स और मैमल्स आपस में भाई भाई हैं, तो कौन किससे एवोल्यूशनरी पॉइंट से जुड़ा हुआ है। आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस।
इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्योंकि मैं इसको मिटा रही हूं। चलिए आगे चलते हैं। आप इसी तरीके से शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं पूरे सिलेबस के। आप सोचिए, बायोलॉजी जो कि दो बुक्स हैं आपके पास इस वक्त पढ़ने के लिए, वो सिमट के उसके इतने से नोट्स बन जाएं, हर चैप्टर का दो पेज में नोट्स बन जाए, तो आपको कैसा लगेगा? यही पर्पज़ है ये क्रैश कोर्स करने का। और ये क्रैश कोर्स आप पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं अपने नीट 2020 से पहले, यदि आप प्लस पे आते हैं तो। प्लस पे अभी ये मैंने शुरू नहीं किया है, मई 1st या 2nd से मैं ये क्रैश कोर्स शुरू कर दूंगी, और नीट 2020 से पहले पूरे 38 चैप्टर्स के ऐसे ही छोटे छोटे नोट्स बनाएंगे हम लोग। जब भी आप ज्वाइन करने लगे, आप कोड ज़रूर डाल दीजिएगा ताकि आप मेरी क्लासेस से कनेक्ट हो जाएं। आइए नेक्स्ट उस पर चलते हैं। देखो हम कहाँ पहुँच गए बेटा, याद होगा तुम्हें, इधर आओ। देखो चैप्टर की क्लासिफिकेशन कैसे की थी हमने, पहला व्हाट इज लिविंग वो कंप्लीट हो गया, सेकंड टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स क्या होते हैं, टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स क्या होते हैं वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज पे आ गए हो आप, अब ये कंप्लीट हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। टैक्सोनॉमिकल एड्स अपन कल पढ़ लेंगे। आओ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज पे आओ, इधर आओ। देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया किसी भी ग्रुप को, चाहे वो बड़ा ग्रुप हो जैसे कि किंगडम जैसा बड़ा ग्रुप, चाहे कोई छोटा सा ग्रुप हो जैसे कि हमने पढ़ा फाइलम होता है उससे छोटा, है ना, फिर उससे छोटा, छोटे 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 ग्रुप होता जाता है ना, क्लास हो गया, तो इस हर ग्रुप को टैक्सोन कहते हैं। टैक्सोन इज अ कैटेगरी। एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात कैटेगरीज हैं जो आपको लर्न करनी हैं। ऊपर सबसे बड़ी कैटेगरी है, किंग है भाई ऊपर, किंग लार्ज सबसे बड़ी कैटेगरी है, और स्पीशीज सबसे छोटी कैटेगरी है। इसका मीनिंग क्या है मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, पहले आपको ये कैटेगरीज लर्न करनी है, उसके बाद ही कोई मीनिंग बताने का फ़ायदा है। इसकी एक बहुत ही प्यारी सी ट्रिक है, आसान सी ट्रिक है, आप देख सकते हैं, किंग्स पीपल डाइड बिकॉज ऑफ, बिकॉज को अपन शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कॉज ऑफ फाइव ग्रीन स्नेक्स। किंग्स पीपल डाइड कॉज ऑफ फाइव ग्रीन स्नेक्स। सबसे बड़ी कैटेगरी है किंगडम, जैसे कि अपा पढ़ते हैं अपना किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी, ऐसे पढ़ते हैं ना अपा, किंगडम फंजाई, किंगडम मोनेरा, है ना, किंगडम प्रोटोजोआनी, क्या होता है प्रोटोजोआनी बच्चों, ऐसे होता है, मेरे साथ दिमाग ही से वर्ड ही चला गया, बताओ वापस नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर होता है अपने पास फाइलम, पी से फाइलम और डिवीजन, डाइड से डिवीजन, ये दो अलग अलग क्यों हैं बेटा? जनरली जो फाइलम है वो एनिमल्स में यूज़ होता है, और डिवीजन जनरली प्लांट्स में यूज़ होता है, जैसे फाइलम अभी अपन ने बात की थी कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है, वैसे ही प्लांट्स में डिवीजन्स होते हैं। कॉज क्या है? कॉज क्लास, ऑर्डर ऑफ से ऑर्डर, फाइव से फैमिली, ग्रीन से जीनस, एस से स्नेक्स से स्पीशीज, ये सीक्वेंस है बेटा जी। किंगडम फाइलम सी ओ एफ जीनस स्पीशीज। अब बच्चे क्या हैं, किंगडम फाइलम याद रह जाता है, जीनस स्पीशीज याद रह जाता है, जनरली बीच का सीक्वेंस भूल जाते हैं। तो आप इसको, आजकल बहुत लोगों को खांसी हो रही है ना कोरोना वायरस की वजह से, कॉफ कॉफ से याद कर लेंगे,
अगर आपको ये पूरा याद करना है तो आप पूरा भी याद कर सकते हैं, यदि आपको दिक्कत आ रही है तो आप ये बीच वाला याद कर लीजिए, अगर आपको ये और ये याद है तो बीच वाला याद कर लीजिए, कॉफ से COF, यही भूलते हैं बच्चे। क्लास बड़ा होता है उससे छोटा ऑर्डर होता है, उससे छोटा फैमिली होता है। ठीक है जी, सीक्वेंस याद हो गया है आप लोगों को, बताएंगे जल्दी से, सीक्वेंस याद हो गया है आपको। इस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आएगा, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा, बहुत दम मार के दो क्वेश्चन आ सकता है, नहीं तो जनरली एक क्वेश्चन आता है। आपको ये नहीं पता कहाँ से आ जाएगा, तो एक क्वेश्चन के लिए ही आप ये एक घंटा लगा रहे हैं आप मेरे साथ। अब आपको देखना पड़ेगा, देखिए मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी जो इस पे से क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अभी सीखेंगे। देखिए, किंगडम एनिमेलिया में बहुत सारा एनिमल्स है यार, सोचो एक स्पॉन्ज से लेके, स्पॉन्ज जो कि समुद्र के नीचे रहने वाला एक छोटा सा एनिमल है जो मूव भी नहीं कर सकता, एक एलिफेंट तक, ये एलिफेंट बनाना चाहती थी मैं, पता नहीं क्या ही बन गया, ठीक है, एक टेप वॉर्म से लेके, मतलब टेप वॉर्म जो बॉडी में पैरासाइट की तरह रहता है दूसरों की बॉडी में, से लेके एक फिश तक, सब कुछ किंगडम एनिमेलिया में आता है। तो आप समझ रहे हो, एक किंगडम के अंदर हाईली डाइवर्स क्रिएचर्स आते हैं, ठीक है। तो एक किंगडम एनिमेलिया के ना कुछ बेसिक फीचर हैं, आपने उसको पूरा कर दिया तो आप एनिमल हो, बहुत ही छोटे फीचर्स हैं। किंगडम एनिमेलिया के क्या फीचर्स हैं, किंगडम एनिमेलिया के जो मेंबर्स हैं उनके सेल में सेल वॉल नहीं होनी चाहिए, पहली बात तो, ठीक है। देन मतलब ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ फीचर्स हैं किंगडम एनिमेलिया के, बहुत वेरी वेरी लेस फीचर्स, ठीक है। वो फीचर्स पूरा करते ही आप किंगडम एनिमेलिया में पहुंच गए। अब अगर आप फाइलम की बात करो तो यार इसमें थोड़ा सा डिफाइनिंग फीचर है, जैसे कि अगर आप फाइलम कॉर्डाटा की बात करो, एनिमेलिया में एक फाइलम आती है कॉर्डाटा, तो आप सिर्फ इसमें वही क्रिएचर्स रखोगे, वही एनिमल्स रखोगे, इन्हीं एनिमल्स में से छांट के वो नीचे निकाल लोगे जिनमें नोटोकॉर्ड नाम का स्ट्रक्चर मिलता है। तो मतलब अगर किंगडम एनिमेलिया में 1000 एनिमल्स हैं तो आप फाइलम कॉर्डाटा में से, उसमें से सिर्फ 100 लोगे, मान लो 100 लोगे, यहाँ पे 1000 में से, समझ रहे हो, इसी में से 1000 में से निकाल के 100 ले लिए, तो ये ग्रुप छोटा हो गया। और छोटा तो हो ही रहा है, ये ज्यादा इसमें कैरेक्टर्स मैच करेंगे, जितना ग्रुप छोटा होता जाएगा बेटा जी उतने ही मैचिंग कैरेक्टर्स जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। अब देखो कॉर्डाटा में से बात करते हैं, अब हम बात करेंगे क्लास की, मान लो मैं क्लास मैमेलिया की बात करती हूँ, कॉर्डाटा में से क्लास मैमेलिया। अब मान लीजिए 100 कॉर्डेट्स में से मैंने 50 ऐसे ऑर्गेनिज्म निकाल लिए जिनके पास मेमोरी ग्लैंड है, जिनके पास मेमोरी ग्लैंड है, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स हैं, ठीक है। ये मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड ह्यूमन के पास भी होते हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड बंदर के पास भी होते हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड गाय के पास भी होते हैं, बफलो के पास भी होते हैं, उनके मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड से तो हम मिल्क ही निकाल लेते हैं, है ना, हम खुद ही पी जाते हैं उनका मिल्क। तो देन ये मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड प्लैटिपस जैसे ऑर्गेनिज्म के पास भी होते हैं जिनसे हम बिल्कुल भी नहीं सोचते कि ये मैमल हो सकते हैं, समझ रहे हो। सो इसमें से हमने 50 निकाल लिए तो इनके और भी ज़्यादा फीचर्स पास आ गए, क्यों, मैमल्स के कुछ डिफाइनिंग फीचर हैं तभी आप मैमल के उसमें घुस सकते हो, जैसे कि उनके बॉडी पे हेयर होते हैं, उनके पास मेमोरी ग्लैंड होते हैं, उनके पास डायफ्राम होता है। ये बिल्कुल ऐसा है, मेरी बात सुनो, ये बिल्कुल ऐसा है, दुनिया में हर प्रकार का बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो ह्यूमन बच्चे की बात कर रहे हैं, तो ये एक ब्रॉड कैटेगरी होगी कि हम सारे ह्यूमन हैं। अब उसमें से बात करो कि इंडिया में पैदा होने वाले बच्चे, तो इंडिया में जो पैदा होने वाले बच्चे हैं उनके कॉमन फीचर्स ज़्यादा होंगे ना। अब इंडिया में, अब यार अपना एक बच्चा यहाँ पे दिल्ली में पैदा हुआ है और एक बच्चा गुजरात में पैदा हुआ है, उनके ज़्यादा कॉमन होंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, चाहे वो कलर का कैरेक्टरिस्टिक हो, चाहे वो हाइट का कैरेक्टरिस्टिक हो, चाहे वो बिहेवियर हो, वो उससे ज़्यादा मिलेगा कि एक यूरोपियन बच्चे से ज़्यादा मिलेगा, अपने ज़्यादा मिलेंगे ना। देन इंडिया में ही लगा लो, जो पंजाब के बच्चे हैं वो सारे ज़्यादा क्लोजली वो होंगे, उनका ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होंगी रादर देन तमिलनाडु के बच्चों से, सो तमिलनाडु वालों की अपनी जो है वो सिमिलैरिटीज़ होंगी, है ना। तो जितनी आप कैटेगरी को छोटा करते जा रहे हो उतनी सिमिलैरिटीज़ बढ़ते जा रहे हो। अब पंजाब में आ जाओ, एक फैमिली में, एक फैमिली में जितने बच्चे होते हैं उनकी शक्लें भी मिलती हैं, उनका बिहेवियर भी मिलता है, उनके मॉरल स्टैंडर्ड्स भी मिलते हैं, क्यों, क्या और ज़्यादा छोटा ग्रुप हो गया तो और ज़्यादा आपका जो सिमिलर कैरेक्टर्स हैं वो ज़्यादा हो गए। इस तरीके से जितना छोटा ग्रुप उतने सिमिलर कैरेक्टर्स, जितना बड़ा ग्रुप उतने ही लेस सिमिलर कैरेक्टर्स। एम आई क्लियर, बोलिए।
एम आई क्लियर? अब इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो एक एग्जाम्पल अपने को देखना है। आइए चलिए, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल खत्म हो जाएगा ये। अच्छा, एक तो आपको ये टेबल याद करना है, प्लीज ध्यान से। ये टेबल में से क्वेश्चन आ चुका है नीट में, एक बार आया था हाउस फ्लाई का ऑर्डर मेरे ख्याल से पूछा था, पता नहीं फैमिली पूछी थी, इस पे से कोई क्वेश्चन आया था। ठीक है, ऐसे आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, ये टेबल मैं आपको कल लर्न कराऊंगी, ठीक है, लर्न करा दूंगी मैं, चिंता मत करो। ये इस टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में से थोड़ा सा और एक एग्जांपल और देना है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज उसके बाद खत्म हो जाएगा। कल हम टैक्सोनॉमिकल एड्स पढ़ेंगे और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सैटरडे को मैं इस चैप्टर का टेस्ट ले लूँगी आपका, ठीक है। आज 3 बजे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की क्लास है। आज कल हमने शुरू किया था, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप लोग देख के आएंगे। आज हम पढ़ेंगे फीमेल गैमीट कैसे बनता है, ठीक है, देन मेल और फीमेल गैमीट प्लांट्स की बात कर रही हूँ, पॉलिनेशन कैसे होती है, फिर पॉलिनेशन होने के बाद फर्टिलाइजेशन कैसे होती है। सो वो चैप्टर भी आज हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो 3 बजे मुझे ज़रूर मिलेगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी वीडियोज़ मिलती रहें और उनका नोटिफिकेशन आ जाए। देन एक और मैं सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ इस चैनल पर, 2 मिनट लेसन्स। 2 मिनट लेसन्स वो क्या है? एनसीईआरटी की बेहद इंपॉर्टेंट टर्म्स को मैं उठा के उन्हें एक्सप्लेन करूंगी 2 मिनट के अंदर। इससे क्या होगा कि जो भी आपकी टर्म्स हैं वो एनसीईआरटी की पूरी पक्की हो जाएंगी। कोई भी टर्म आपको कहीं से भी आ जाएगी तो आपको ये लगेगा ये मैंने कहाँ पढ़ा था, इसका मीनिंग क्या है, समझ रहे हैं? सो ये 2 मिनट लेसन्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैं दिन में एक दो ऐसी क्लासेस भी बनाती रहूँगी, दो ही तीन मिनट की होगी, तो आप लोगों का समय नहीं लगेगा उसको पढ़ने में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी है तो। यदि आप इसी तरीके से सभी चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स बनाना सीखना चाहते हैं और पूरा चैप्टर्स रिवाइज़ करना चाहते हैं, या आप 2021 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, 2022 के लिए मेरी गाइडेंस में तैयारी करना चाहते हैं, तो ऋतु कोड डालकर नीट का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए अनअकैडमी प्लस पे। Okay, I'll see you. Thank you so much. Bye-bye.